कयाम पाकिस्तान का अहम पड़ाव, वतन से तजदीद वफा का दिन, यौम पाकिस्तान पर मिली जोशो जज्बा दीपनी, लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज, मसाजिद में मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई, ऐवान सदर में परेड खराब मौसम के बायस मुलतवी। सदर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान पर खसूसी पैगाम, कहा पूरी कौम बानियान पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है, भारत में अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म सितम सबूत है कि मुस्लिम क्यादत ने एक दानिशमंदाना फैसला किया, मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान का कयाम 20वीं सदी का एक मुआवजा है, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का 23 मार्च पर पैगाम, कहा हमारी कौमी तारीख का एहसास दिन है जो हमें माजी की याद दिलाता है, कई मौके ऐसे आए कि हमने मुश्किलात पर काबू पाया और कई संगे मील हासिल किए, हमने इन चैलेंजेस को नजर नहीं करना जो हमारे सामने हैं। 23 मार्च को बानिए पाकिस्तान की खिदमत को सलाम, वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की मजार कायद पर हाजिरी, वजीर आला सिंध ने मजार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातेहाना खानी की, मजार कायद पर पहुंचने पर सूबाई गुजरा मुशीरान चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। मुसलमाना ने बरे सगीर की आंखों में अलग वतन का ख्वाब सजाने वाले शायर मशरक मुफक्कर पाकिस्तान अलामा इकबाल के मजार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मजार इकबाल पर पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने हिफाजती जिम्मेदारियां संभाल ली, तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली थे। मुफ्त आटे के हुसूल की कीमत मौत, सस्ते आटे के लिए धक्कम पेल, तलख कलामी और हाथापाई के वाकयात मामूल बन गए, चार सदा के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई, भगदड़ के दौरान एक शहरी जा बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकल किया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस गवर्नर ने मंजूरी दे दी, वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे सिंध में बचत बाजार लगाए जा रहे हैं, सूबे में हर तहसील और हर गांव में बचत बाजार लगा रहे हैं, मुश्किलात हैं लेकिन इन मुश्किलात पर काबू पाएंगे। माह रमजान मुबारक, सादतों बरकतों रहमतों और मगफिरतों वाला महीना, मुल्क भर में आज पहला रोजा, मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी, घरों में पहले रोजे के लिए सहरी का एहतमाम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया, वफाकी वजीर इतलात मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम, ट्वीट में लिखा इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है जो मौशी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया गया, इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद ये फैसला किया। इमरान खान अपने खिताब में बहकी बहकी बातें कर रहे थे, लग रहा था कि वो शदीद खौफ में मुब्तला है, इमरान खान के जहन पर जादू टोने का ज्यादा असर हो गया, वजीर इतलात सिंह शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा हसीन इतफाक समझे या कुछ और कि गैर मुल्कियों के बयान को मुदाखलत समझने वाले इमरान खान के पेरोल पर ही गैर मुल्की लॉबिस्ट। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया, मनकेरा सराय महाजर हैदराबाद थल नैया पहाड़पुर में भी बादल खुलकर बरसे, महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई।